यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। बीजेपी के संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ कार्यक्रम के तहत शहर के सैकड़ों बुद्धिजीवियों से मुलाकात की है और उन्हें बीजेपी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया भी। कार्यक्रम का आयोजन फरीदाबाद के सेक्टर 12 में हुड्डा सभागार में किया गया था और इसी दौरान बीजेपी के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इसी दौरान कृष्ण पाल गुर्जर ने यह भी बताया कि बीजेपी सरकार के 4 साल पूरे होने को लेकर हर जिले में मंत्री और विधायक बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ कार्यक्रम का आयोजन करेंगे, जिसमें शहर के बुद्धिजीवियों से मुलाकात की जाएगी और उन्हें बीजेपी शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। तो संपर्क फॉर समर्थन के तहत ही केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने यहाँ पर बुद्धिजीवियों से मुलाकात की है और तमाम जानकारी अपनी सरकार की दी। मोदी सरकार किस तरह से 4 साल में सफलता की ओर आगे बढ़ रही है, ऐसी ऐसी बातें कही गई मंच से। और वहाँ पर कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मंच से लोगों को संबोधित किया गया और ये भी जानकारी दी गई कि इसी तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी चलाए जाएंगे, जिससे कि लोगों से संवाद कर बीजेपी सरकार के लिए समर्थन हासिल किया जा सके। आपको ये भी बता दी कि इस कार्यक्रम की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने की थी, हरियाणा से ही ये शुरुआत की गई थी और उसके बाद तमाम जो बुद्धिजीवी हैं या फिर सेलिब्रिटी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात कर बीजेपी के लिए समर्थन मांगा था और एक बुकलेट भी जारी की गई थी। उस बुकलेट में जो बीजेपी के द्वारा काम किए गए हैं इन 4 सालों में, उसके बारे में भी जानकारी दी गई थी। आज पूरे देश में हर जिला में बुद्धिजीवियों के सम्मेलन हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मोदी सरकार के जो 4 साल की उपलब्धियां हैं, जो अचीवमेंट है, उनको सम्मेलनों में बताया जाता है कि मोदी सरकार ने इन 4 सालों में देश के लिए, देश के विकास के लिए जो किया है, उस सब की जानकारी बुद्धिजीवी सम्मेलनों में बुद्धिजीवी के प्रबुद्ध लोगों को दी जा रही है। आज उसी निमित्त फरीदाबाद जिले में बुद्धिजीवियों का आज एक कार्यक्रम सम्मेलन था, उसमें मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को बताया गया।